हाय गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे चेंज द जेंडर। जैसे कि हिंदी में होता है ना, लिंग बदलो, ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वैसे ही इंग्लिश में होता है चेंज द जेंडर। लिंग बदलो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चेंज द जेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर मैस्कुलिन, फेमिनिन, मैस्कुलिन का मतलब होता है पुल्लिंग और फेमिनिन होता है स्त्रीलिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आज पार्ट वन करवा रही हूँ आपको इसका, और आगे आगे और भी वर्ड्स मैं लेके आऊंगी जिसमें हम मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं आज का। इसमें है मैस्कुलिन में बॉय और गर्ल, ठीक है। जैसे पुलिंग में, एक दो बारी समझा देती हूँ, जैसे पुलिंग में होता है लड़का और स्त्रीलिंग में होता है लड़की, उसी तरह से ही मैस्कुलिन बॉय, फेमिनिन गर्ल, ठीक है। बॉय किस में चेंज होता है? गर्ल में। फादर मदर, मैन वुमेन, किंग क्वीन, ब्रदर सिस्टर, अंकल आंट, सन डॉटर, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर मतलब दादा या फिर नाना, और ग्रैंडमदर दादी या फिर नानी, ठीक है। कॉक हैन, पीकॉक पी हैन, ठीक है, मतलब मोर और मोरनी, ठीक है। टाइगर टाइग्रेस, टाइगर मतलब क्या होता है सबको पता है, और टाइग्रेस, ठीक है। बुल काओ, प्रिंस प्रिंसेस, जेंटलमैन लेडी, एक्टर एक्ट्रेस, ठीक है। ये 15 मैंने आज आपको करवा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चेंज द जेंडर क्या होता है, और भी आगे जो मैं इसके पार्ट्स लेकर आऊंगी ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए कि किस तरह से हम कौन से मैस्कुलिन को कौन से फेमिनिन में चेंज करते हैं। आप दोनों जो है ना लर्न कर लेना स्पेलिंग, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है कि फेमिनिन आ जाता है और आपको मैस्कुलिन में चेंज करना होता है, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा आपको। आया तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर देना और शेयर भी कर लेना अपने उन फ्रेंड्स के साथ या कजन्स के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे और आप इंटेलिजेंट बनते चले जाओ। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स।